नीलाचल निवासाय नित्याय परमात्मने बलभद्र सुभद्राभ्यां जगन्नाथाय ते नमः। महाप्रभु जगन्नाथ को कोटि प्रणाम करी मु आपण मानंकु ओडिशार अगणित भक्त समाजंकु तुमे जगन्नाथ तुमे परम ब्रह्मर कार्यक्रम को स्वागत करुछि। पूर्व अध्याय रे आमे विद्यापति अनुमति प्राप्त हो जाती विश्वावसु मारिदेवे बोले मनर गोटे भय थिला, किंतु ललिता निज परिचय दे कही एवं विद्यापति एवं भगवान कि अपार करुणा हला जी मारिबा लोक पुणी उपहार दउछंती सबर महाराजा हेले सबर राजा हेले सबर तेणु बणर फलमूल चरण भितर जहाँ अच्छा सी ज्वाई की उपहार दे निज देश को छाड़ुंती। यही आम कथा थिला खंडे दूर पाछोटी जे आसला सबर कहे दया रखी थीबो मोरे दिजबर खंडे दूर पाछोटी जे आसला सबर कहे दया रखी थीबो मोरे दिजबर आकाश गंडुकी ठारु सबर फेरिला मालव देश को बोली ब्राह्मण चलिला। केड़े सुंदर कथा गोटे ओडिया घर चलनी देखंतु केते प्राचीन जुगर आपण जदि आमे तत्व भितर को जीवा ये विज्ञान जुगर किए विश्वास करू कि न करू तथापि आम ब्रह्मांड सृष्टि से विज्ञान सम्मत आज को 195 कोटी वर्ष पूर्वर आम ये विश्व ब्रह्मांड तैयारी जदि आउ गोटे कथा कह 166 कोटी वर्ष है आम मंदिर पूरी मंदिर एवं रथयात्रा तेणु मु से कथा को आग को केते तत्वभित्ति माने कोते भाव नौकरी से मुझे भितर को जाऊना किंतु चलनी देखंतु ओडियार चलनी जने सबर जने अतिथि जाउचंती जोई जाउचंती उपहार स्वरूप से बणर फलमूल से प्रकृतिर अपरूप दान को से बांधि एवं किछि बाट बळी दे आसिया जो कहंती बंधु को देखिले आमर भागवत कहिले ज्वादरु अतिथि बाउडे से प्राणी प्रत्यमुखे पड़े जे अतिथि को अमर्यादा करे ता घर लक्ष्मी पणांति जे अतिथि को पानी ग्लास काई से जाचंती आम घर मानकर गोटे लेंबुपणा थिला लेंबुपणा आज उभ कारण लेंबुपणा दे गोटे आम लो कास्ट फैमिली बोली गणा हाँ तेणु गोटे दोकान रू बजार रू किणी आने गोटे बोतल जो थे डीडीटी अच्छी जो थे केमिकाल अच्छी अतिथि पीदेलापर थंडा पानी को सी भाव ये गोटे आरिस्टोक्रेसी फैमिली किंतु आम लेंबू भितर आंटी डायरियाल आंटीबायोटिक से थिला केरे तथ्य आम छौ विज्ञान सम्मत आज केते जुक्ति तर्क चली सबू आम विज्ञान सम्मत आमर माणवसा होता दुआर मोर कहीं गाई गोबर लिपा होता गाई गोबर में आंटीबायोटिक गुण अच्छी गोबर बास्न नाग साप हो तंप साप हो विषधर साप घरे पशे ना तेणु ये सब कथा थिला जड़े शबर विश्वावसु राजा हेले राजार अभिमान ना कारण गोटे डेंगुरा बाड़ेदे कोटे शबर ढड़ा होपरवे अस्त पारंपरिक अस्त्रशस्त्र धरिकी किंतु सीए जोई सांगरे से फलमूल गंठिल टी धरी किसी बाट बड़े दिवे आकाश गंडी की नदी से पर्यंत जाइंट से नदी कूल से उपहार तो जोई के हाथ को दे पुणी कहते आज्ञा मो ऊपर दया रखिथे केड़े सुंदर कथा मालव देश को बोली ब्राह्मण चलिला आकाश गंडुकी ठारू सबर फेरिला खंडे दूर पाछोटी जे ओइला सबर कहे दया रखी थिबो मोरे दी जबर मते टिके दया रखी थिबे मो कथा मने पकाउ थिबे मु जणे एमती जंगल रे सबर टिए थिली
तुमको नीलमाधव दर्शन करूँ तुम्हें राजभोग भितर राजतंत्र भितर राजशासन भितर निजुक हजेदेव कि शबर कथा को भूली मालव सम्राट को बात्रा दब यही दुख कि जनाऊ देखु केते अतिथि केते आपणार मनोभाव मालव देश को बोली ब्राह्मण चलला इंद्रदुम्नर दूत बुलई दांडराज जाई डगर जणाइला राजा को मणाई जेतेबेले विद्यापति पहुँची जंती मालव सीमा भितर राज्यर सीमा भितर सी जाऊँचंती डगर हाबुड़े पड़चंती राजांकर वार्ता बह जे राजा को सूचना दियंती देखंतु से राजतंत्र रे जो जो सब आम कथा थिला प्रथा थिला सेई कथा आज गणतंत्र प्रतिमान होचंती सेई चलणी सेई शासन चालिचं किंतु राजार हृदय आम गणतंत्र पाउना है सेतबेले राजा मठ मंदिर को निर्माण करुथिले कवि कलाकार मान कुंडल देकी उपढ़ उपाधि देकी संबर्धना दौले किंतु आज ताते मात्रा हो पारना बहु उपेक्षित कलाकार बहु उपेक्षित कवि गोटे कवि गोटे बहीटे लिखिले छापिया को लक्ष टा ना जुगे गोटे बही छापि हम ना कि ओडिया पाठक नहांती अन्य भाषा से ही था सी कौट जाके उठता तेनाली कह प्रोत्साहन ना तेणु से डगर बार्ताटी दब डायरेक्ट बा जहाँ को सीधा सड़क छामुक पाकु आम जापर छामुक अगणा पाट अगणा आम तर गोटे राजकीय भाषा अच्छे राजकीय सब सूचना अच्छे आम मदलापाजी जी मंदिर कथा अच्छा सेमती जिते मालव सीमा को छुई देखते इंद्रदुम्नर दूत बुलई राज डगर जे जणाइला राजा छामुरे इंद्रदुम्नर आगरे कहिला डगर विद्यापति ब्राह्मण जे अइले तुम्हर सुनी करी राजन जे उत्सत होइले हरस कि बीरस हो बोलीण बोइले आम गाँ गहलीर कथा अच्छे मकदमा चली जमा पड़ो माने मकदमा राय शुणा को जाइए जे कहे मकदमा चली जमा पड़ो अर्थ जदि डिग्री होइतबो खुशी मन आसुवे जदि दंडित होते मन सुखी जाइए सेमती आम गाँ गहली गोटे कथा अच्छी जी आम सहर से कथा ना जदि कहार गोटे चोरी है आम सब सहयोग बस पड़े गोटे नियम करेंगे जे समस्त नियम कर प्रसाद धरिकी जिनसा किए नहीं किंतु जी नियम कर भूल जी नियम कर भूल से भय अच्छे तेणु से जार चोरी जाए सी कहे आज्ञा आपण मैंने के ही नियम कर आवश्यक ना आप सहयोग खाली बसी पड़ू मो मूला जीए खाई सी मो मुह को अन पार ना ता अर्थ जे चोरी कर लोक देखु सी मन को सी मुह सुखी स्वतः प्रकृति धरईदेव तेणु से कथा जे डगरे जो छाम को कहले महाराज आमर देखु राजा सब उपाधि आम महाराज वीरश्री गजपति गौड़ेश्वर नवकोटी कर्णाट उत्कल वर्गेश्वर विराट वीरवर सतुकूल धूमकेतु अभूत राय संग्रामे सहस्रबाहु श्री श्री दिव्य सिंह देव महाराज सेमती मालव सम्राट अच्छी माँ छामु भूजे जितेबले मणिमा विजय हंतु एक कथा डगर जाकि पहुँची जाती कहले आज्ञा आपण को दूत विद्यापति आस पहुँची गले महाराज हसीदेले खुशी हो गले विद्यापति आसुंती किंतु डगर को पचारे मुहटा हस हस ना मुहटा शुखिला यू जाणीदे प्रभु को सन्धान आनी ना महाराज कहते सुनी करी राजन जे उसत होइले बीरस कि हरस हो बोलीण बोइले डगर बोइले जहा देखिली राजन से ब्राह्मण देह अच्छी शंख चक्रचिन्ह डगर बोइले जहा देखिली राजन से ब्राह्मण देह अच्छी शंख चक्रचिन्ह आउरी आश्चर्य हो गले महाराजा इंद्रदुम्न शंखचक्र कदा पद्म चिन्ह तक दिए स्वयं प्रतीयमान होगा भगवान दर्शन मात्र एत फल आश्चर्य हे भगवान हे करुणा सागर हे करुणार वरुणालय हे अंतर्जामी हे दीनजन बंधु हे कोटि कैबल्य दानी आपण को दर्शन मात्र शंखचक्र चिन्ह चिन्हित हो जाती मनीष आश्चर्य ता शुणीन राजन हरस होइला निश्चय ब्राह्मण मोर विष्णु को देखिला ये जो चित्र ये जो चरित्र चित्रण करागले ये जो आम सिम्बलिक बिल कहा जाए
तेणु प्रतीयमान होती जे भगवान को दर्शन करिवार गोटे माधुर्य अच्छी गोटे जिते भगवान का आखि आगे भक्त दीट बा लुह झरी दुख जनाए ताको भारी खुशी लगे किंतु आखिरे लुह न झरिले ता दर्शनटा पूर्णांग हेलानी बोली से अनुभव करे। आउ गोटे कथा भगवान कहते निष्काम कर्म कर निष्काम भक्ति कर तुम्हें कामना कर ना प्रकृत जड़े जी प्रकृत भक्त से एमती कहे प्रभु को मते जदि भल पाओ दयामय हरि केबे हेले दियो नाही मोंजली भरी मागीबारो सुख जीव पाइबारे सरी केबे हेले दियो नाही मोंजली भरी। तेणु प्रभु मागुदेवी आपण मते दियंतुनि तेणु आश्चर्य हेले महाराज इंद्रदुम्न हे भगवान हे परमेश्वर हे परमात्मा आपण को दर्शन मात्रे जदि मनुष्य शरीर शंखचक्र गदापद्म चतुर्ध मूर्ति आपण आपणकर ये पवित्र आयुध चिन्ह चित्रित हो जाए हे भगवान आपण को दर्शन करिवार सौभाग्य केते पुण्य करथला विद्यापति किंतु मो भाग्य कौन ना आश्चर्य होती निश्चय ब्राह्मण विष्णु को देखला बोली ज्ञात हो जाती भगवान दर्शन केमती पाइले से व्यग्र होती डगर को कहते जाओ तुम्हें विद्यापति राजदरबार को नहीं आस एम तण तही जाई मिले विद्यापति आदर करीण राजा बसाइले कति एम तेण जाई तही मिले विद्यापति आदर करीण राजा बसाइले कति सिरे कर देई पुछा कले कराजन विष्णु को देखिल टिकी सुबेदी ब्राह्मण आदर निज पाखरे बसिले सिंहासन पाखरे गोटे स्वतंत्र आसन तांकपाई करागला विद्यापति बसिले आश्चर्य होती प्रभु प्रभुंकर दर्शन तुम पाइच सत्य विश्वास हो आखिकी विश्वास हो शंखचक्र गदापद्म चिन्हित शरीर एवं आपण दर्शन कर प्रभु को राजा आदर करी बसई सिरे कर दे पूछा कर विष्णु को देखिल विष्णु को देखिल टी सुबेदी ब्राह्मण बोली कहते हे सुबेदी उत्तम भाव वेदज्ञ आपण देखिले तो दर्शन कले तो मो प्रभु को ब्राह्मण शुणी संतोषे देखिली कहला कोटिए जन्म मोर निस्तार होइला कोटिए जन्म निस्तार होइछि मोर कोटिए जन्मर पाप मोर उभे जाइछि मणिमा भगवान शंख चक्र गदा पद्म चिन्हित दिव्य शरीर को जो कौस्तुभ हार बन हार माळर शोभित कटिरे किंकिणी पादरे नुपुर मथारे मुकुट से दिव्य रूप मु दर्शन करछि मणिमा मु प्रभुंकर दर्शन प्राप्ति होती कोटिए जन्मर पाप को मु क्षय करी आज आपण पाखरे उपस्थित होती आज कथा वस्तु को यही रखा आगामी अध्याय पुनर्बार कथा वस्तु को आगे नवा जय जगन्नाथ जय जगन्नाथ जय जगन्नाथ। जदि आपण जीवन रे व्यक्तिगत पारिवारिक समस्या कर्म क्षेत्र निजुक्ति वैवाहिक समस्या वास्तुदोष एवं माली मकदमा आदि समस्या थाए ताहेले समस्यार समाधान और परामर्श पाई आमकु जोगाजोग करंतु ज्योतिर्विद डॉक्टर भवानी शंकर महापात्र बुधेश्वरी कॉलोनी प्लॉट नंबर 26 भुवनेश्वर फोन नंबर 9776833302 9439444924 आमर वेबसाइट www.srijagannathastro.com डीटीवी ओडिया देखिवा पई सब्सक्राइब करंतु एवं बेल आइकन को मध्य दबाई दियंतु।